नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई बिगेस्ट क्लासेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंस अगैन वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 34। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शंस हैं 8, 6, 4, 2। तो ज्योत्सना शब्द में मात्राएं हमारी 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में मूल स्वरों की मान्य संख्या है, मान्य संख्या बतानी है। ऑप्शंस हैं 11, 4, 3, 44। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मूल स्वरों की मान्य संख्या, मूल स्वर हर्ष स्वर को भी मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। तो मान्य संख्या में आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, 4। और अगर केवल मूल स्वर पूछे तो आपको 11 बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द है? ऑप्शन है मृत्यु, अंतःकरण, पशुपति, पतझड़। रूढ़ शब्द होता है जिसके अर्थ वाले दो शब्द ना बनाए जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, अर्थात वे शब्द जिन्हें तोड़ करके दो अर्थ वाले शब्द ना बनाए जा सकें, ठीक है। ऑप्शंस होगा मृत्यु, अंतःकरण, पशुपति, पतझड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मृत्यु। मृत्यु को तोड़ करके हम कोई वर्ड नहीं बना सकते जिसका कोई अर्थ निकले, कोई सार्थक वर्ड नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, अगहन का तत्सम शब्द है? अगहन का तत्सम बताना है हमको, तत्सम। ऑप्शंस हैं अग्रहण, अग्राहण, अग्रायण या अग्रहायण, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश राज शब्द का उदाहरण है। इसमें देश राज का और कोई मतलब नहीं, देश राज का अर्थात जो हमारे देसी शब्द होते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, वही बतानी है। ऑप्शन हैं आपके सांप, जिंदगी, लोटा, डॉक्टर। तो आसपास वाला शब्द हमारा लोटा लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, उक्त पंक्ति में कौन से शब्द सकती हैं? ऑप्शंस हैं आपके लक्षणा, सुद्धा, लक्षणा, व्यंजना या अभिधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुद्धा लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिष्टता शब्द में संज्ञा है? ऑप्शंस हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा। तो आप सभी को पता है शिष्टता में भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो संज्ञाएँ या वो शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसमें इस भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कारक पूछा गया, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शंस हैं संबोधन, कर्म, संप्रदान, अपादान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संबोधन। अगला क्वेश्चन है, चिंता शब्द से बना विशेषण बताना है। ऑप्शंस हैं चिंतनीय, चिंतन, चिंतनशील, चैतन्य। तो चिंता सबसे बना विशेषण चिंतनीय होगा, ऑप्शन नंबर आ राइट होगा। भोजन करते ही वह सो गया। वाक्य में क्रिया है? ऑप्शंस हैं पूर्वकालिक, तात्कालिक, अकर्मक, सकर्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रातों में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है। रातों में अर्थात रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया है, क्रिया बतानी है इसमें। ऑप्शंस हैं नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो इसको ऑप्शंस एलिगेशन, अगर आपको नहीं सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो इसको ऑप्शंस एलिगेशन विषय आसानी से कर सकते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया में तो कर आता है ना, कर के आता है पूर्वकालिक क्रिया में, है मैं खाना खाकर स्कूल गया, ये होगी पूर्वकालिक। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हमारा कह रहा है, ठीक। सकर्मक क्रिया,
अर्थात कर्म रहित क्रिया, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रेरार्थक क्रिया जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाता है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जब ये तीन नहीं होंगे तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बचा नाम धातु क्रिया, तो यही आंसर हमारा, यही ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है, वाक्य कैसा है? ऑप्शन हैं क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबोधन बोधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द है उन्नतशील, उन्नतिशील, उन्नतशील, उन्नतशील, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ही हमारा सही दिख रहा है। वर्तनी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, ऑप्शंस हैं मोहन के हाथों में पत्र भिजवा देना, तो हाथों में नहीं होगा, है ना, मोहन के हाथों से पत्र भिजवा देना, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं ऑप्शन है अगला, किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो। यहाँ गाइस और एंड दूसरे दो सेम वर्ड का यूज किया गया है ना, किसी और आदमी को वहाँ भेजो, ये इसका राइट होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सी ऑप्शन है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, मैं प्रातः काल, काल और समय एक ही बात हो रही है ना, सेम वर्ड यहाँ पर भी यूज हुए, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। हमारे समाज में कुरीतियाँ अभी भी प्रचलित हैं, ये हमारा राइट लग रहा है। द ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन, हमारे समाज में कुरीतियाँ अब भी प्रचलित हैं, ये पढ़ने पर भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमारा शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे समाज में कुरीतियाँ अब भी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन है नीरज का बादल, नीरज का कमल, रॉन्ग है, आपको पता है, नीर का जल, नीर का मकान, मूल का जड़, मूल्य का माप, निर्झर से का निर्झर का झरना, निर्झर का देवता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्झर का झरना और निर्झर का देवता। अगला क्वेश्चन है, चतुष्कोण शब्द का सही विच्छेद होगा। ऑप्शन हैं चतु प्लस कोण, चतु प्लस उस कोण, चतु प्लस कोण, चद प्लस कोण। तो चतुष्कोण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, चतु प्लस कोण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चतु प्लस कोण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अचिर और अजिर का सही युग्म अर्थ होगा। ऑप्शंस हैं शीघ्र और नवीन, आंगन और शीघ्र, शीघ्र और आंगन, आंगन और नवीन। तो अचिर का होता है शीघ्र और अजिर का होता है आंगन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शीघ्र और आंगन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अगम और आगम का सही युग्म अर्थ होगा। ऑप्शंस हैं आगमन और पुराण, आगमन और जाना संभव नहीं, जाना संभव नहीं और आगमन, पुराण और जाना संभव नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अगम और आगम, अगम और आगम युग्म का सही अर्थ बताना है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगम अर्थात जाना संभव नहीं, आगम अर्थात आगमन। ये आपको अगम शब्द जो है वन वर्ड में पढ़ाया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, अवलंब और अविलंब का सही युग्म अर्थ होगा। अवलंब और अविलंब, इसका सही युग्म अर्थ बताना है। ऑप्शंस हैं तुरंत और बिना देर किए, तुरंत और सहारा, तुरंत और बिना देर किए, सॉरी ऑप्शंस हैं, एक बार ऑप्शंस फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तुरंत और बिना देर किए, तुरंत और सहारा, सहारा और बिना देर किए। डी ऑप्शन है बिना देर किए और सहारा। तो अविलंब का अर्थ तो बिना देर किए ही होता है जो दो जगह है, लेकिन अवलंब होता है सहारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, है ना। ऑप्शंस हैं कृतघ्न, कृपण, कुलीन, कृतज्ञ। तो किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए हुए उपकार को याद ना रखने वाला कृतघ्न कहलाता है, है ना। अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार पेपर में आ भी चुके हैं आपके एग्जाम में। तो उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ और उपकार को याद ना रखने वाला कृतघ्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
जिसे खरीद लिया गया हो अर्थात जिसे मोल पैसों से खरीदा गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है कसेरा, ओझा, कामुद, क्रीत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरों में केवल 200 को ही खोजता हो, जो दूसरों में केवल 200 को ही खोजता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं छदमवासी, चिरंतन, गुप्तचर या छिद्रानवेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिद्रानवेशी। अगला क्वेश्चन है, चमरी शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं हनुमान, हाथी, हानि, हरिण। तो चमरी शब्द का पर्यायवाची हरिण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं मेधावी, मुनि, लहर, यमुना। तो कालिंदी शब्द का पर्यायवाची यमुना होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शंस हैं वधु, लघुत्तर, लघुत्तर, विद्यार्थी। तो इसमें देखिए विद्यार्थी भी गलत है, ये भी सारे रॉन्ग लिखे हुए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लघुत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शंस हैं सूक्ष्म, शेष, भुजंगिनी, भुजंगनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुजंगिनी। भुजंगिनी हमारा सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जागरण शब्द का विलोम होगा। जागरण शब्द का विलोम होगा, तो जागरण का विलोम बताना है। ऑप्शंस हैं जागरण, ऑप्शंस हैं जागना, मरण, निद्रा या जंगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृपा शब्द का विलोम होगा। ऑप्शंस हैं खोटा, कृपा, कोप, वक्र। तो इसका राइट आंसर होगा कृपा का विलोम कोप होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, रिकरिंग का हिंदी मानक शब्द होगा। तो इसका राइट ऑप्शंस हैं निष्कासन, अनावश्यक, आवर्ती, निवारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर मूल रूप से कितने हैं। स्वर मूल रूप से कितने हैं, ऑप्शंस हैं 12, 11, 10, 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है। ऑप्शंस हैं गा, डा, झा, सा। तो स्पर्श संघर्षी अर्थात चा वर्ग जो होता है हमारा, वो स्पर्श संघर्षी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी हमारा चा वर्ग होता है और स्पर्शी जो है हमारा वो सा वर्ग होता है। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट होती है गाइज। लास्ट टेस्ट सीरीज में जो एक अलंकार का क्वेश्चन था, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हांसी, तो इसका जो आंसर आप लोगों ने दिया था विद एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल राइट होगा। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त अलंकार जो है विशेषोक्ति अलंकार ही होगा इसका आंसर। ठीक है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हांसी, अर्थात जहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया था आपने। ओके, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें जो कन्फ्यूजन थी हमने दूर कर दिया, क्लियर कर दिया है ना कि विशेषोक्ति अलंकार ही इसका राइट आंसर होगा। और कल का हमारा क्वेश्चन था कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी थी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं भी बता देती हूँ कि बाकी लोगों के लिए क्लियर हो जाए। महादेवी वर्मा ने जो है 8 कविता संग्रह लिखा था, जिसमें जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये 8 कविताओं का अलग संग्रह था। ठीक है, इसके अलावा यामा, दीप गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और गिल्लू, गिल्लू कहानी थी है ना, ये सारी रचनाएं भी महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, इन्हें नीरजा के लिए जो है 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और स्मृति की रेखाएं के लिए जो है इन्हें द्विवेदी पदक प्राप्त हुए थे, जो 1942 में द्विवेदी पदक इनको दिए गए थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है यामा, यामा नामक काव्य के लिए इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आंसर ज़रूर दिया करिए, एक बार लिखने से जो आंसर आप एक बार कमेंट में लिख देंगे
वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा और उसे आप जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।